हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेबुलस एडियो। दोस्तों, हमने अपने टाइम एंड वर्क के दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड लेक्चर में हम कुछ वो सवाल देखेंगे खूब सारे कॉन्सेप्ट के साथ, वो समझेंगे जिनमें हमें कहा जाता है कि ए प्लस बी ने मिलकर इसने काम को इतने देर में किया, बी प्लस सी वालों ने इतने देर में इतने किया, सी प्लस ए तो बताइए ए कितने दिन में करेगा, या फिर तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये सब गलतियाँ। तो दोस्तों, इसमें देखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो आप गलती करते हैं, वो मैं आपको अभी पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम 15-16-20 करीब सवाल क्वेश्चंस करेंगे और उससे आप चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं क्या करूँगा, जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है वो तो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, और जो बच्चे छात्र जो हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए क्या है कि उस प्रश्न को मैं हिंदी में पढ़ूँगा। ओके, तो आप इस तरह से आप जब सवाल समझ जाए तो उसे पॉज कर लीजिए और पॉज करके उसे सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, तभी आप सीखेंगे, तभी आपका मस्तिष्क चलेगा। ओके, तो अब देखिए दोस्तों, जब ये सवाल आते हैं कि आपका बोला जाता है कि ए प्लस बी कुछ दिन में किसी काम को कर लेता है, फिर बोला जाता है बी प्लस सी किसी काम को कुछ दिन में कर लेता है, और फिर कहा जाता है सी प्लस ए किसी काम को कुछ दिन में कर लेता है, तो हमने इन तीनों के कॉन्सेप्ट मिला के ये चीज़ तो समझ ली है कि तीनों का जो भी डेज दे रखा होता है उससे हम ले लेते हैं एलसीएम। लेकिन दोस्तों, हम गलती क्या करते हैं, जब सबका एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये एफिशिएंसी इन सबका जोड़ रहे हैं। मतलब मान लीजिए इसकी एफिशिएंसी कुछ 5 आई, इसकी 6 आई, इसकी 11 आई, तो हम गलती ये करते हैं कि तीनों की जब एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो उसे लिखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी उसकी एफिशिएंसी होगी 11 प्लस 22, पर ये गलत है। 5 एफिशिएंसी जो भी निकलती है वो ए प्लस बी की निकलेगी, तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, है ना। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी दोस्तों हमारी मान लीजिए 5 है, बी प्लस सी की हमारी 6 है, और सी प्लस ए की 11 है, तो आप इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये मेरा बन जाएगा, देखिए ए 2 बार है तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, इनकी एफिशिएंसी 22 होगी, तो आपको 2 बाहर लेना है तो A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 22 होगी, तो इससे A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी 22/2 11 होगी। मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मुझे A प्लस बी प्लस सी कितने पेड़ रोज के लगाते हैं, तो हम इन सबको जोड़ दें फिर 2 से डिवाइड कर दें, देखिए वही कर रहे हैं, तो वो निकलेगा। आप ये गलती मत कीजिएगा। अब ये सब चीजें हम क्या है क्वेश्चंस करके अच्छे से समझते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस हम देखते हैं और फिर समझते हैं कि सारी कमियां कैसे दूर की जा सकती हैं। ओके, क्वेश्चंस ज्यादा अच्छा होगा आपका। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न है ना, क्वेश्चन वो है दोस्तों, आप सबकी स्क्रीन पे होगा, मैं पढ़ देता हूं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताइए अगर ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो कुल वो काम कितने दिन में, कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए अब आप लोग देखिए, ए प्लस बी कितने दिन में करता है, हमें दे के रखा हो उन्होंने 12 दिन में, बी प्लस सी ये दे रखा है हमारा 15 दिन में, और C प्लस A दो तीनों मिल जाते हैं तो ये काम को करते हैं हमारा 20 दिन में। तो अगर ये तीनों काम को कर लेते हैं तो हमें मालूम है काम क्या निकालते हैं, हम पेड़ लगाना, पेड़ कितने लगाने हैं भाई, इनका एलसीएम, एलसीएम आएगा आपका 60, तो इसका मतलब 12 है ये रोज के 5 पेड़ लगाएगा, 15 है A प्लस B दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाएंगे, ये रोज के 4 पेड़ लगाएंगे, ये रोज के 3 पेड़ लगाएंगे, इसका मतलब अब देखिए 5 सब मिल जाएंगे, मतलब सब मिलने का मतलब दोस्तों आपका ए प्लस बी मिलेगा, फिर इससे बी प्लस सी मिलेगा, फिर इससे आपका सी प्लस ए मिलेगा। अब ये मिलके कितने लगाएंगे पेड़, 5 ये, 4 ये, 3 ये, 5 प्लस 4 प्लस 3, ओके, इसका मतलब आपका देखिए 2A 2B 2C है ना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2ABC, ये कितने पेड़ लगाएंगे आपके, 8 प्लस 2 12, मतलब हमारा A प्लस बी प्लस सी मिलके
12 अपॉन 2 मतलब 6 पेड़ रोज के लगाते हैं। हमारा काम कितना है दोस्तों, 60 पेड़ लगाने का। हमसे सवाल क्या पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में पेड़ लगा लेंगे। भाई 60 पेड़ लगाना है, रोज के ये 6 पेड़ लगाते हैं, कितने दिन में लगाएंगे, 60 अपॉन में 6 मतलब 10 डेज में ये उन पेड़ों को लगा देंगे, मतलब आपका 10 डेज में वर्क हो जाएगा। अब इसी को करना हो जल्दी, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कंपटीशन में टाइम सेव करना है, तो हमें क्या निकालना होगा, ए प्लस बी प्लस सी निकालना होगा। तो हमें दिख रहा है ए सब अपना अपना है, हम क्या करेंगे यहीं पे जोड़ेंगे, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, 12 को 2 से डिवाइड कीजिए 6, 6 आ गया, 60 काम करना है, 60 अपॉन 6 सीधे लिख देंगे। ओके ये है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, हिंदी माध्यम के लिए, इंग्लिश वालों के लिए ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर देते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में करते हैं, और आपका ए और सी उसी काम को 90 डेज में करते हैं। तो आप ये बताइए कि वो तीनों मिलके कार्य करेंगे तो कितने दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए हमें पता है कि ए प्लस बी उस काम को करता है दोस्तों 72 डेज में, बी और सी उस काम को करते हैं आपके 120 डेज में, और आपका ए और सी उस काम को करते हैं आपका 90 डेज में। ओके तो आप इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा इनका दोस्तों 360, ठीक है, मतलब हमें 360 पेड़ लगाने हैं। ये 72 लगाता है रोज के, मतलब 360 लगाता है, रोज के 5 लगाता होगा, 120 ये लगाते होंगे रोज के 3 और ये रोज के 4। ओके ये 5 पेड़ लगाते हैं, रोज के 3 लगाते हैं, रोज के 4 पेड़ लगाते हैं। अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के पूछा है ना, तो तीनों का मिलाना होगा। तो मैंने अभी अभी देखा इन सबको अगर मैं जोड़ता हूँ 5 प्लस 3 प्लस 4 तो ये मेरा कितना बना, 7 प्लस 12 बना, 12 बनेगा मेरा कब, ये मेरा 12 बनेगा, लेकिन इन सबको जोड़ के 2A2 मतलब 2A मिलेंगे, 2B मिलेंगे और 2C मिलेंगे, तब जाके 12 पेड़ लगाएंगे। और ABC निकालने का मैंने सोचा कि A प्लस BC कितने लगाते हैं, उनकी एफिशिएंसी कितने पेड़ों की है, तो क्या करूँगा इन सबको जोड़ दूंगा, 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12, 12 को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, मतलब रोज के 6 पेड़ लगाते हैं, A प्लस B प्लस C रोज के 6 पेड़ लगाते हैं, 360 पेड़ लगाने हैं, कितने दिन में लगा लेंगे, पौन में 6, इसका मतलब 7 दिन में ये सारे के सारे वो काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही था इसका। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। ओके ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखिए ये यहाँ पे छोटा सा ट्रिक, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। हम डाटा ले लेते हैं, ए प्लस बी उस कार्य को करते हैं आपके 10 दिन में, बी प्लस सी उस कार्य को करते हैं आपके 15 दिन में, और सी और ए काम को करते हैं उसके 20 दिन में। जी बिल्कुल, अब आपसे पूछा गया कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। चलिए देखते हैं, हमें पता है कि भाई इसका एलसीएम मेरा आता है 60, है ना, ए प्लस बी कितना कर ले भाई रोज की, फास्ट फास्ट कीजिए थोड़ा तेज तेज, है ना, 10 दिन लगाता है 60 पेड़ लगाने, मतलब 3 पेड़ लगाता होगा रोज के, 60 पेड़ लगाने हैं 15 दिन लगाता है, मतलब 4 पेड़ लगाता होगा रोज के, 60 पेड़ लगाने हैं 20 दिन लगाता है, मतलब 3 पेड़ लगाता होगा रोज के। अब मुझे ये पता लग गया ए प्लस बी प्लस सी कितना लगाएगा, इन सबको जोड़ दूंगा 336 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी मेरा 5 दिन लेते हैं। अब आपसे पूछा है कि सी अकेला कितने दिन लेगा, तो मुझे ए प्लस बी सी क्या करना, देखिए मुझे सी अकेला कितने दिन लेगा ये जानने के लिए सी की एफिशिएंसी चाहिए। अच्छा कैसे मिलेगा, देखिए हम ये जानते हैं कि मेरे को सी की एफिशिएंसी चाहिए,
तो अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी पता हो तो इन सब की पता है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता हो तो सी की एफिशिएंसी निकल आएगी कि रोज के वो कितने पेड़ लगाता है। ए प्लस बी, यहाँ देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी दे रखी है, 3 पेड़ लगाता है रोज के। तो अगर ये 3 है और सी हमारा पता नहीं, ये पूरा मिलके हमारा 5 बनता है, मतलब है ना, तो ये कितना होगा, सी ऑब्वियसली 2 होगा, 3 प्लस है ना मिलके 5 बनता है, तो सी की एफिशिएंसी हमारी आ गई 2, मतलब सी अकेला रोज के 2 पेड़ लगाता है। 60 पेड़ लगाने हैं अगर अकेला लगाएगा तो, 2 रोज के लगाता है, कितने दिन लगाएगा, 60 upon 2 30 days, 30 दिन में वो काम को कर देगा। इसका ऑप्शन नंबर है 4th सही। ओके चलिए देखिए, हिंदी मीडियम वाले भी क्या है, ऑप्शन तो क्वेश्चन में ऊपर ही देख सकते हैं, बाकी हिंदी अनुवाद तो मैं कर ही देता हूँ उसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, ए किसी काम को 4 घंटे में कर देता है। देखिए यहाँ पे दिन नहीं दे रखा, घंटे दे रखा, हम उसी तरह से लेके चलेंगे। ए किसी काम को 4 घंटे में कर देता है, बी और सी उसी काम को मिलके 3 घंटे में कर देते हैं, और ए और सी मिलके उसी काम को 2 घंटे में कर देते हैं, तो बताइए बी अकेला उस काम को करने में कितने दिन लेगा। ओके वही चीज हर बार, ए उस काम को करता है आपके 4 घंटे में, और आपका बी और सी उस काम को करते हैं आपके 3 घंटे में, और ए और सी उस काम को करते हैं आपके 2 घंटे में। तो हमसे पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन घंटे में कर देगा। ठीक है दोस्त, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम हमने मान लिया कि 12 पेड़ लगाने हैं, 4 3 इसका एलसीएम मिलिए 12, ये लगाते हैं 3 पेड़ रोज के, ये लगाते हैं आपके 4 पेड़ रोज के, और ये लगाते हैं आपके 6 पेड़ रोज के। ओके अब हमसे पूछा है कि बी अकेला है ना, बी अकेला कितने दिन लगा देगा। देखिए बी मेरा यहाँ पे है, बी प्लस सी तो 4 है ये मुझे पता है, लेकिन उसके लिए मुझे सी पता होना चाहिए, तो सी कैसे आएगा, सी मेरा यहाँ है, तो यहाँ सी पता करने के लिए मुझे ए पता होना चाहिए था, तो ए मुझे पता है क्या, हाँ ए मुझे पता है कि ए तो रोज के 3 पेड़ लगाता है। अच्छा ए रोज के 3 पेड़ लगाता है, ए और सी मिलके रोज के 6 पेड़ लगाते हैं, और ए 3 पेड़ लगा देता है, तो सी भी मेरा 3 पेड़ लगाता होगा, तो सी की भी वैल्यू आ गई, देखो 3 पेड़ की आ गई। ओके अब मेरा बी और सी मिलके 4 पेड़ लगाते हैं, अब एक बात बताइए, बी और सी मिलके 4 पेड़ लगाते हैं, सी अकेला 3 पेड़ लगा देता है, तो 4 पेड़ में से 3 तो सी के हैं, तो बी के कितना हुआ, 1, इसका मतलब बी 1 पेड़ लगाता है रोज का। अच्छा बी अगर अकेले ही काम करे तो उसे 12 पेड़ लगाने हैं, 1 पेड़ लगाता है रोज के, कितने दिन में लगाएगा भाई, 12 पेड़ लगाने, एक ही पेड़ लगा पाता रोज के, 12 दिन में, 12 days। इसका है ऑप्शन नंबर 2 सही। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। ओके ए और बी मिलके किसी काम को 72 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर लेते हैं, और ए और सी इसी काम को 90 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। देखिए इस तरह का डाटा हमने अभी देखा था थोड़ा, ये है आपका CPO 2005 का सवाल है, हमारा ए प्लस बी उस कार्य को करते हैं 72 डेज में, और आपका बी प्लस सी उस कार्य को करते हैं आपका 120 डेज में, और उसी कार्य को ए प्लस सी करते हैं आपका 90 दिन में। ओके हमसे पूछा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, कितने दिन में ए उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा। ओके तो इनका लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, जो भी एलसीएम आएगा 360, इतने पेड़ लगाने हैं, तो ए प्लस सी रोज के 4 लगाता है, बी प्लस सी रोज के आपके 3 पेड़ लगाता है, ए प्लस बी रोज के आपके 5 पेड़ लगाता है। हमसे पूछा गया है कि ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। ओके तो ए अकेला करने के लिए कि दोस्तों हमने क्या सीखा था, अभी पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालना सीखा था हमने, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, इन सबको जोड़ दूंगा, 2 से भाग दे दूंगा, इनको जोड़ूंगा तो आएगा 12, उसको 2 से डिवाइड कर दिया मतलब 6। अब ए प्लस बी प्लस सी है मेरा 6, मुझे निकालनी है ए की, ए की अगर निकालनी है मुझे
एफिशिएंसी तो बी प्लस सी की पता हो, क्योंकि मुझे ये पूरा मिला के पता है 6 है। बी प्लस सी की क्या है? बी प्लस सी की यहाँ से देख सकते हैं 3 है, तो भाई मेरा ये 3 है और इन दोनों को जोड़ के 6 आता है। तो एक बार बताइए, बी प्लस सी 3 लगा दें तो टोटल पेड़ ही लगते हैं 6, 3 तो इसी के हैं, तो ए के कितने होंगे? इसके भी 3 होंगे, तभी तो 6 बना। तो ए की एफिशिएंसी हो गई रोज के 3 पेड़ लगाता है। 360 पेड़ लगाने हैं अगर अकेला काम करेगा तो, रोज के लगाता है 3, मतलब 120 डेज में उस कार्य को वो कर लेगा। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े फ्रैक्शन में, इसलिए आप देख के घबरा सकते हैं, पर ऐसी कोई डरने की बात नहीं। अगर मैं देखूं तो इन्होंने बोला है, आप लोगों को बता दूं, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उसी कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं, और आपका सी और ए उस कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए, अगर सब के सब मिलके कार्य करें तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ओके ठीक है, आपका ए प्लस बी आपका लेते हैं 8 डेज, बी प्लस सी आपके लेते हैं 6 डेज, और सी प्लस ए लेते हैं आपके 10 डेज। ओके, तीनों को मिलके कार्य करना है। चलिए, इसमें आया 5, 3, 15 इंटू 8, 120। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम आया 120। आप लोग निकाल लीजिए, मेरा अपना तरीका है निकालने का। चलिए, तो अब देखते हैं आपका ए प्लस बी रोज के पेड़ लगाता है 120, तो ये रोज के पेड़ लगाता होगा 15, बी प्लस सी तो ये रोज के लगाता होगा 20, और ये 10 तो ये रोज के लगाता होगा आपका 12 पेड़। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेंगे, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए। वो कैसे निकलेगी? इन सबको ऐड कर दूंगा, सबको ऐड करूंगा तो कितना आया, 35 प्लस 12 47, और इनको 2 से डिवाइड कर दूंगा ए, क्योंकि 2 ए प्लस बी प्लस सी 47 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, अपॉन में 2 कर दूंगा। ओके, तो ये तो मुझे लगा कि ए, ये तो मुझे पता लग गया कि ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी इतने पेड़ लगाते हैं रोज के, लगाने कितने, 120, तो सब मिलके लगाएंगे तो 120 पेड़ लगाने हैं रोज के, लगाते हैं 47 बाय 2, 2 पर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 240 बाय 47। ओके, ये मुझे लगता है आपका 4 में जाएगा, 4 बार में 47, 12 की आ जाएगी कमी, 38 2। ओके, 2 5 4 बाय 7, इसके मुझे लगता है कुछ ऑप्शन में गलती होगी, क्योंकि आंसर तो इसका 240, एक मिनट, 240 लेके आना है ना। ओहो ओहो ओहो, 5 5। ओके दोस्तों, 47 into 5 335 335 plus 5 240, ऑप्शन नंबर इसका 3। ओके, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो आप सबकी है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं, और सी और ए उसी कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए, बी अकेला अगर उस कार्य को करेगा तो कितने दिन लेगा? ए प्लस बी आपके उस कार्य को करते हैं आपका 12 दिन में, बी प्लस सी उस कार्य को करते हैं आपका दोस्तों 8 दिन में, सी प्लस ए उस कार्य को करते हैं 6 दिन में। बी अकेला अगर उस कार्य को करेगा तो कितने दिन लेगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इनका लेना होगा एलसीएम, एलसीएम आया 24,
ये लगाते हैं, रोज़ के 2 पेड़ 24 पेड़ लगाने हैं, रोज़ के 3 पेड़ रोज़ के 4 पेड़। मैंने सीखा है कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी हो, इन सबको जोड़ दो, 2 + 4 = 6 + 9, 9/2 कर दो। ओके, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता लग गई। मुझे सिर्फ बी की चाहिए, तो मुझे ए प्लस सी पता होना चाहिए, है ना। ए प्लस सी मुझे यहाँ से निकल जाता है, ये है भाई 4, ठीक है। ये कितना आता है आपका, 4.5 आता है। ए प्लस सी है मेरा 4, है ना। ए प्लस सी की वैल्यू है मेरी 4, प्लस बी मिलके बन जाता है 4.5। तो बताइए बी कितना होगा, बी की वैल्यू होगी 0.5। अब बी अकेला कितने दिन में करेगा भाई, 24 पेड़ लगाने हैं, रोज़ का आधा पेड़ लगाता है, 2 दिन में 1 पेड़ लगाएगा, मतलब रोज़ का आधा पेड़ लगाता है। इसको आप कर लीजिए, यह आपका आ जाएगा 48 डेज। अगर सॉरी वो अकेला काम करेगा तो 48 डेज लेगा। ओके, अब देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर, इसके हिसाब से आपके स्क्रीन पे। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उस कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं, सी और ए उस कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। अगर तीनों ने मिलके कार्य किया तो बताइए वो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए मेरा ए प्लस बी ने उस कार्य को किया है 30 डेज में, फिर आपका बी प्लस सी ने उस कार्य को किया है आपका 20 डेज में, और सी प्लस ए ने उस कार्य को किया है आपका 15 दिन में। ओके, बड़े आसान से, हमें कुछ नहीं करना, हमें ले लेना है इनका एलसीएम, वो हो गया 60, ये लगाता है रोज़ के 2, ये लगाते हैं 3, ये लगाते हैं 4। मुझे अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों से काम करवाना है तो जोड़ दूंगा 9/2, तीनों मिलके काम करेंगे तो ये करेंगे आपका 60 / 9/2, 2 पर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 120/9। 3 से कटेगा, 40/3 डेज में काम हो जाएगा। इस तरह से जल्दी जल्दी करेंगे आप। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4, 13 3/3 इसका जो ऑप्शन होगा, है ना, 40/3 13 3/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिन में कर लेते हैं। अगर तीनों मिलके काम करें तो 6 दिन में कार्य हो जाता है, तो बताइए ए और सी दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। ओके, ए और बी, ये अच्छा सवाल, कुछ फिर घुमा के दिया पर हमें चीज़ें पता है। ए और बी उस कार्य को कर लेते हैं आपका 8 दिन में, और बी और सी उस कार्य को कर लेते हैं आपका 12 दिन में। ओके, चलिए, और आपका तीनों मिलके, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो वो काम कर लेते हैं आपका 6 दिन में। तो बताइए, हमें ये बताना है कि ए प्लस सी बस ये दोनों काम करें तो कितने दिन में कार्य हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों हमें ए प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए होगी। ए प्लस सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, अगर बी की एफिशिएंसी पता लग जाए तो ए प्लस सी की निकल जाएगी। चलिए हम पहले देखते हैं इसको। अब हमें चाहिए इसमें 12 और 8 = 3 = 24। एलसीएम आ गया दोस्तों आपका, 24 पेड़ लगाने हैं, ये रोज़ के लगाते होंगे 3, ये रोज़ के लगाते होंगे 2, ये रोज़ के लगाते होंगे 4, ठीक है। चलिए ठीक है, अब एक बात बताइए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी 4 है, ए प्लस बी प्लस सी इसकी एफिशिएंसी है 4, बी प्लस सी की कितनी है 2, इसकी है 2, तो ए की कितनी होगी दोस्तों, 2 + 2, तो ए की एफिशिएंसी तो मुझे पता लग गई है 2। अब यहाँ देखिए, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3, है ना, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3, ए की मुझे यहाँ पता लग गई 2, तो इसका मतलब क्या है, बी की कितनी होगी, 2 में 1 जुड़ा होगा, मतलब बी की एफिशिएंसी हो गई 1। अब अच्छा, एक अब एक बात आइए, यहाँ पर हमें पता लगा है कि बी प्लस सी, है ना, इसकी एफिशिएंसी है 2,
बी की है अगर एक, बी अगर रोज के एक पेड़ लगाता है तो सी भी रोज का एक पेड़ लगाता होगा, तभी तो दो बना। चलिए तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई, तो ए की वैल्यू है मेरी दो। अब ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी हमें, क्योंकि इन दोनों से काम करवाना है मिलके। तो ए रोज के पेड़ लगाता है दो, सी रोज का पेड़ लगाता है एक, मतलब दोनों मिल जाएं तो रोज के सिर्फ तीन पेड़ लगेंगे। पेड़ कितने लगाने हैं आपके? 24। 24 पेड़ लगाने हैं और दोनों मिलके तीन पेड़ लगाते हैं, इसका मतलब 8 दिन लगेंगे। हो गया, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। अगर ए और बी एक साथ मिलके काम करें तो वो उस काम को 18 दिन में कर लेते हैं। ए और सी काम करें तो वो उस काम को 12 दिन में कर लेते हैं, और बी और सी काम करें तो वो उस काम को 9 दिन में कर लेते हैं। तो अगर बी अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा? फटाफट करते हैं दोस्तों, अब तक तो आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। ए और बी मिलके काम कर रहे हैं तो 18 दिन, ओके। ए और सी मिलके काम कर रहे हैं तो आपका 12 दिन, बी और सी मिलके काम कर रहे हैं तो 9 दिन। हमें बी से अकेले काम करवाना है, सिंपल। क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके काम एज्यूम करेंगे 36, है ना। ये रोज़ के लिए 18 दिन लगाते हैं, 36 पेड़ लगाने में रोज़ के दो पेड़ लगाता होगा, रोज़ के तीन पेड़ लगाता होगा, रोज़ के चार पेड़ लगाता होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी आपको, लेक्चर 1 देखा होगा, लेक्चर 2 देखा होगा, लेक्चर 3 तक तो आराम से आप ये निकाल लेते होंगे। अब मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, इन सबको जोड़ दूंगा, 6, 9, 9/2, ओके। अब ए मुझे क्या निकालना है, बी मतलब ए प्लस सी पता होना चाहिए, ए प्लस सी यहाँ से पता है मुझे 3, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस ए प्लस सी, और इसकी वैल्यू है 3, और ये है आपका 4.5, मतलब मेरा बी है 1.5, 4.5 में से 3 चला गया, बी है 1.5, बी अकेले काम करना है। तो 36 अपॉन में 1.5 को लिख सकते हैं हम, ये 3/2 ही तो है मेरा, आप वैसे भी कर सकते हैं यहाँ से भी, तो ये 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 × 2/3, यानी 24, 3 × 1 ये कटा 12 से, 24 डेज लगेंगे दोस्तों उस कार्य को समाप्त होने में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों की स्क्रीन पे। क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उस कार्य को आपके 12 दिन में कर लेते हैं, सी और ए उस कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, है ना। ए प्लस बी आपके उस कार्य को करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी उस कार्य को करते हैं आपके 12 दिन में, और सी प्लस ए उस कार्य को करते हैं 15 दिन में। इस बार बी से नहीं, सी से करवाना है, तो ठीक है हम करेंगे, कार्य को मानेंगे 60, किस क्यों, इन सब का एलसीएम आएगा 60, तो वो यहाँ पे रोज के 4 पेड़, यहाँ पे रोज के 5 पेड़, यहाँ रोज के 6 पेड़, तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 5, 6, 11, 15, ओके। बाय 2 मत भूलिएगा, 2 कोई मत भूलिएगा, सबको जोड़ के 2 से डिवाइड, मतलब 7.5। अब मेरा क्या है, मुझे करवाना है काम सी से, तो ए प्लस बी पता होना चाहिए, ए प्लस बी यहाँ पता है मुझे 6, तो ए प्लस बी की वैल्यू है 6, तो 6 प्लस सी ये है आपका 15/2, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपको 15/2 − 6 = 12, ये आ गया आपके 3/2। अब सी अकेला काम करेगा तो उसे 60 पेड़ लगाने हैं अकेले, रोज के लगाता है 3.5, 60 / 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 × 2, 40 डेज दोस्तों, 40 डेज में वो काम कंप्लीट सी अकेला कर लेगा। तो ये मुझे लगता है हमने 14-15 क्वेश्चंस किए हैं, पर इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के कितने भी वैरायटी बने, आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। आप चीज़ों को समझ चुके हैं, उनको जान चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको सिखाया था, पेड़ लगाने वाला कितना यूज़फुल है,
कितना आसान है आपके लिए क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क को इजी कर देता है। इसको एलसीएम मेथड भी कई लोग कहते हैं, क्योंकि हम जो वर्क है उसको एलसीएम लेके मानते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपके बहुत काम आ रहा होगा, आप इससे बहुत ही क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, ये चैनल अच्छा लगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी होता है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, तो और हमारी तरफ से आपको, आपकी तैयारी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।